इंदौर नगर निगम परिषद की बैठक में निगम परिषद के सदस्य दिलीप शर्मा द्वारा विज्ञापन घोटाले को लेकर अपनी ही भाजपा परिषद पर गंभीर आरोप लगाए गए। शर्मा ने यह कहा कि शहर में बने शौचालयों में विज्ञापनों की आड़ में जो घोटाला हुआ है उसकी जानकारी उन्हें तक नहीं दी गई। उन्होंने अफसरों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। निगम परिषद में इस मामले को लेकर बेहद हंगामा हुआ और प्रतिपक्ष ने भी इस मामले में दिलीप शर्मा का साथ देते हुए यह कहा कि प्रभारी खुद ही कह रहे हैं कि घोटाला हुआ है तो इस पूरे मामले की जांच की जानी चाहिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिलीप शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है, लेकिन कुल मिलाकर नगर निगम में इस समय राजनीति गर्मा गई है। तो फिर उनको उत्तर देने दीजिए। तो आप मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुन लीजिए कि क्या ये परिषद में कभी आया और परिषद में सभापति हो कोई भी नीतिगत निर्णय एमआईसी और परिषद में होता है नीतिगत निर्णय क्यों अपने पसंदीदा ठेकेदारों को अधिकारी ऑथराइज कर रहे हैं क्यों एक कागज पे लिख लिख के देते हैं मैं सबूत दूं क्या एक कागज पे अनुमति हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचें।